लर्निंग होम के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे कैसे किसी टेक्स्ट या सेंटेंस को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट बेसिक ट्यूटोरियल का पार्ट है। और डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज़ कर रहा हूँ, जो अभी तक का लेटेस्ट वर्जन है। और यदि आप डिफरेंट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो अपीयरेंस होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है कि ये फीचर कहाँ पे है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक फॉन्ट ग्रुप है, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप है, और यहाँ पे तीनों ऑप्शन है, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है, कैसे हम किसी टेक्स्ट या कैरेक्टर को बोल्ड करते हैं या किसी सेंटेंस को बोल्ड करते हैं। तो पहला है ऑप्शन कि आप जैसे ही इस सेंटेंस को सिलेक्ट कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली एक बॉक्स अपीयर हो गया है। आप सबसे इजी वे में यहीं से आप इसको कॉपी कर दीजिएगा, तो ये बोल्ड हो जाएगा। यदि आप इसे फिर से आप प्रेस कीजिएगा, तो ये जो बोल्ड है दिख रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। सपोज इसे सेलेक्ट कीजिए, इस बॉक्स को आपको बाय मिस्टेक या किसी अदर माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के वर्जन में नहीं दिखता है, तो आप यहाँ चले जाइए और यहाँ पे बोल्ड कीजिएगा, तो ये बोल्ड हो जाएगा। जो दूसरा ऑप्शन है कि शॉर्टकट, जिसका शॉर्टकट है Ctrl B, और यदि आप Ctrl B यूज़ करके भी इसे आप बोल्ड कर सकते हैं और इसे डिसेबल कर सकते हैं। तो अभी ये सेलेक्टेड है और मैं Ctrl B प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखेंगे कि जो बोल्ड था वो हट चुका है। फिर से मैं Ctrl B प्रेस कर रहा हूँ, तो देखेंगे बोल्ड हो चुका है। एक दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है मुझे कहना चाहिए, कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो छोटा सा बॉक्स है, इसे आप प्रेस कीजिएगा और इसका शॉर्टकट है Ctrl T, आप इसे सेलेक्ट कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बोल्ड जो है हाईलाइटेड है। इसे आप रेगुलर सेलेक्ट करके और ओके कीजिएगा, तब ये बोल्ड यहाँ से हट जाएगा। और जो आखिरी जो पॉइंट है यहाँ पे, कि यदि आपको पता नहीं है कि कहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन है और बोल्ड ऑप्शन है, तो यहाँ से सर्च बॉक्स में भी जा करके आप बोल्ड कर सकते हैं। जैसे ही आप टाइप कीजिएगा, तो ये आपको रिकमेंड कर रहा है बोल्ड का, और आपने जैसे ही सेलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिकली बोल्ड हो गया। और यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं, बोल्ड टाइप कीजिए और जैसे ही आप कीजिएगा, तो ये बोल्ड हट जाएगा। जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास इटैलिक का, उसे भी करके देखते हैं। इसे आप सेलेक्ट कीजिए पहले, किसी आप एक टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या आपकी इच्छा से है, जितना सेलेक्ट करना आपको कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप सेलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे एक बॉक्स जो मैंने पहले दिखाया था वो फिर से अपीयर हो गया है, और इसे फिर आप आई क्लिक कीजिएगा तो इटैलिसाइज हो जाएगा। फिर से आप क्लिक कीजिएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसका शॉर्टकट है Ctrl I, जो मैं आपको प्रेस करके दिखा रहा हूँ, Ctrl I। आप देखेंगे इटैलिसाइज हो गया, इसे नहीं रखना है तो आप इसे Ctrl I से इसे हटा भी सकते हैं। और कुछ कुछ फीचर में ये जो जो बॉक्स था वो दिखता नहीं है, तो आप यहाँ से भी फॉन्ट ग्रुप में जा करके और ये जो ऑप्शन है, इससे भी आप इटैलिसाइज कर सकते हैं। तो देखिए आप क्लिक कीजिएगा तो इटैलिक्स मोड में आ गया और इसे आप हटा सकते हैं। यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, इस छोटे से बॉक्स को जब क्लिक कीजिएगा, तो एक फॉन्ट बॉक्स खुल जाएगा और आप टेक्स्ट सेलेक्टेड है और आप इटैलिक सेलेक्ट कीजिएगा, ओके कीजिएगा तो इटैलिक्स हो गया। इसे आपको नहीं रखना है, तो यहाँ से भी आप रेगुलर कर सकते हैं, यहाँ से ये हट गया। एक और जो आखिरी ऑप्शन है वो सर्च बॉक्स से है। आप सर्च करके उस टेक्स्ट को हाईलाइट करके आप इटैलिक सर्च कीजिए यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ये इटैलिसाइज्ड हो गया। आप यहाँ से इसे हटा भी सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ से हट गया है। तीसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि कैसे हम किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करते हैं। तो आप फिर से सिमिलर वे में ही करना है,
आप जैसे ही इस टेक्स्ट को हाईलाइट कीजिएगा तो ये बॉक्स ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है, और यहाँ से आप इसे यू इस सेलेक्ट कीजिएगा तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। इसको हटाने के लिए फिर से आप सेम ऑप्शन फॉलो कर सकते हैं, इसे डबल क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि आप जो अंडरलाइन जो टेक्स्ट है उसे आप अंडरलाइन जो लाइन है इसे आप डिफरेंट टाइप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि एक डॉटेड लाइन है यहाँ पे, फिर यहाँ पे डैश्ड अंडरलाइन है, तो वेरियस वे में कर सकते हैं। यहाँ पे आप अंडरलाइन कलर, आप डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं। सपोज मैं ग्रीन कलर करना चाहता हूँ तो आप ग्रीन कलर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप मोर अंडरलाइन यदि आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जैसे देखिए, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है फॉन्ट कलर, वो जो हमारा ब्लैक है अभी, और अंडरलाइन कलर को आप चेंज करना तो कर सकते हैं। यहाँ से आप डिफरेंट लाइन टाइप चूज कर सकते हैं अभी, और आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे हो रहा है। इसका शॉर्टकट कंट्रोल यू भी यूज़ करके हम अंडरलाइन कर सकते हैं। तो आप देखिए कंट्रोल यू, आप देखेंगे कि यहाँ से हट चुका है। फिर से मैं करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। अब मैं आपको सर्च बॉक्स के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सेलेक्टेड है सेंटेंस, और अंडरलाइन यहाँ पे जैसे ही हम डालेंगे तो देखेंगे कि अंडरलाइन का ऑप्शन आ गया है। इसे आप क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिकली अंडरलाइन हो जाएगा। इसे आपको हटाना है तो आप फिर से अंडरलाइन सर्च कीजिए। और यहाँ पे आप देखेंगे, देखे होंगे कि ये जो ऑटोमेटिकली है वो ग्रीन मोड में आ रहा है, ग्रीन कलर का आ रहा है। यदि हमें ब्लैक करना है तो आप इसे अंडरलाइन कलर और ऑटोमेटिक कर दीजिएगा तो ये ब्लैक मोड में आ जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आशा है कि आपको बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन समझने में ये वीडियो मदद किया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और सिमिलर वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।